Assalamu alaikum class, wave. Hope you all will be fine. Let's start our lecture of English A. In our previous step number 3, we have completed our unit number 5. Let's check and unit number 6, traitlet. And today, we are going to start our step number 4 from the unit number 7, the magic paintbrush on your book page number 34. Magic paintbrush means Jaduka paintbrush. लेट्स स्टार्ट यूनिट नंबर सेवन लेसन नंबर वन लिसन एंड स्पीक सुनिए और बोलिए पार्ट वन रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन टेक्स्ट को पढ़िए और सवाल का जवाब दीजिए क्वेश्चन इज वट हैपन्ड वाल सेंड्रा एंड डैन वर इन द किचन जब सेंड्रा और डैन किचन में थे तो तब क्या हुआ था इस सवाल का जवाब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा सेंड्रा वॉज मेकिंग हर सेल्फ आर सैंडविच इन द किचन वन डे सेंड्रा एक दिन किचन में अपने लिए सैंडविच बना रही थी हर सेल्फ अपने लिए वैन डैन केम इन एन पोर्ड हिम सेल्फ अ ग्लास ऑफ वाटर पोर्ड उ डेलना या डालना किसी चीज में बर्तन में कुछ निकालना डैन तभी डैन किचन में आया और अपने लिए ग्लास में पानी डाला हिम सेल्फ अपने लिए वट आर यू डूइंग तुम क्या कर रही हो डैन ने पूछा मेकिंग माई सेल्फ अ सैंडविच मैं अपने लिए एक सैंडविच बना रही हूँ माई सेल्फ अपने लिए इट्स फॉर दिस आफ्टरनून आफ्टर स्पोर्ट्स जो कि आज से पहर खेलों के बाद के वक्त के लिए है डू यू नीड हेल्प क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है नो no, थैंक्स नहीं शुक्रिया आई कैन डू इट बाई माई सेल्फ माई सेल्फ खुद से मैं ये खुद कर सकती हूँ इट लुक्स delicious, डिलीशियस मज़ेदार टेस्टी ये बहुत मज़ेदार नजर आ रहा है कुड यू मेक मी वन टू क्या तुम मेरे लिए भी एक बना सकती हो वाई क्यों? यू आर बेटर एट मेकिंग sandwiches देन मी तुम सैंडविच बनाने में मुझसे ज़्यादा बेहतर हो रियली वाकई आई थिंक यू आर बींग लेजी मेरे ख़्याल में तुम सुस्ती दिखा रहे हो लेज़ी सुस्ती यू कैन मेक वन योर सेल्फ योर सेल्फ खुद से तुम खुद से अपने लिए तुम अपने लिए खुद भी बना सकते हो प्लीज़ आई एम इन अ रियल हरी एंड आई गॉट टू कलेक्ट माय स्पोर्ट्स थिंग्स टू बराए मेहरबानी प्लीज़ मुझे बहुत जल्दी है हरी जल्दी और मुझे अपना खेलों का सामान भी इकट्ठा करना है कलेक्ट इकट्ठा करना हेयर आर टू मोर पीसेस ऑफ ब्रेड ये हाँ डबल रोटी के दो और पीस हैं डोंट पुश धक्का मत दो देअर नाउ आई हैव कट माई सेल्फ माई सेल्फ मुझे अपना अब मेरे हाथ पर कट लग गया है आई सर्टेनली वॉन्ट बी एबल टू मेक यू अ सैंडविच अब मैं आपके तुम्हारे लिए सैंडविच नहीं बना सकूँगी डियर ब्रदर प्यारे भाई ओके रिवाइज योर रीडिंग अगेन एंड अगेन एंड डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज डिफिकल्ट वर्ड्स एंड योर पार्ट टू एंड पार्ट थ्री विल बी इंक्लूड इन योर नेक्स्ट लेक्चर विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स मूव ऑन टू और लेसन नंबर टू पेज नंबर थर्टी फाइव लेसन नंबर टू वर्ड्स पार्ट वन मैच द सेंटेंसेस टू द पिक्चर्स ये सेंटेंसेस हैं आपके पास और इनको इन पिक्चर्स के साथ ये एट पिक्चर्स हैं इनके साथ इनको हम मैच करेंगे ए द स्पीड बोट इज हीडिंग फॉर द बीच वेयर इज द स्पीड बोट ऑन बीच हेयर इज द स्पीड बोट ऑन पिक्चर नंबर फोर बी शी टेक्स आफ्टर हर मदर दे आर बोथ गुड एट आर्ट दे बोथ आर गुड एट आर्ट ऑन योर पिक्चर नंबर कीप ऑफ द पाथ वेट सीमेंट यहां गीला सीमेंट है इससे दूर रही है नंबर एट ड्यूरिंग ऑर ट्रिप वी केम अपॉन अ डेजर्टेड विलेज अपने ट्रिप के दौरान हम गए डिजर्टेड विलेज नंबर सेवन द गार्ड डॉग वेंट फॉर द and एंड his leg। गार्ड डॉग बर्गलर के पीछे गया भिखारी के पीछे और उसने उसकी टांग पर काटा नंबर वन दे हैड लिटल फूड बट दे गॉड थ्रू द वॉटर विंटर सॉरी बट दे गॉड थ्रू द विंटर उनके पास थोड़ा खाना है जो कि उन्होंने सर्दियों में गुजारा करना है नंबर थ्री जो आस्क फॉर यू आफ्टर यू आई सेट यू वर फाइन आई सेट यू वर फाइन एट नंबर फाइव द पुलिस आर लुकिंग इन टू द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट नंबर टू यहाँ एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पुलिस चेक कर रही है ओके okay. नेक्स्ट योर पार्ट पार्ट टू कंप्लीट दीज सेंटेंस यूजिंग द फ्रेजल वर्ब्स इन द पास टेंस ये सब जो उनसे वर्ड्स दिए गए हैं इनको आपने फ्रेजल वर्ब्स में पास टेंस में यूज करना है इन फिल्म द ब्लैंक्स में नंबर वन ग्रैंडमा डैश माई फ्रेंड रॉबर्ट आई सेड ही वॉज डूइंग वेरी वेल आस्क आफ्टर आस्क आफ्टर asked after second robert dash his father and decided to become a doctor took after take after took after past tense third he dash at his exams sorry all his exams with excellent marks got through get through got through Number 4 he dashed the possibility of a job at a hospital but didn't get one looked into look into looked into fifth the gardener was cutting the football pitch so the boys dashed the grass keep off kept off answer is kept off four of the boys went for a walk and dash the sea. Heed for, headed for. They walked out of town and dashed an old farmhouse. Come upon, came upon. Eight. As they got closer, two dogs ran out and dashed the walkers. Go for, went for past tense went for okay all do all these ver, uh, parts on your notebooks and revise your today's lesson number 1 and lesson number 2 carefully and take care